जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मेरा नाम है धीरेंद्र। जैसा कि मैं आपको पिछले कई वीडियोस से बताता चला रहा हूं कि किस तरह से जो पैगंबर मोहम्मद थे वो एक हिंदू थे, उनके चाचा कैसे शिव भक्त थे, इसका मैंने बाकायदा प्रूफ दे करके ये बात की है। मैंने आपको दौद्रशलस का उदाहरण दिया है जो कि रोमन इतिहासकार थे, और तो और बताया है उस इराकी किताब के बारे में जो कि एक मुस्लिम द्वारा लिखी गई थी और जिसको वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा वहाँ के स्कूलों में सिलेबस के रूप में पढ़ाया जा रहा है। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से भारत का जिक्र है और हिंदुओं का जिक्र है, कैसे जिक्र है उसमें उस बात का कि जो पैगंबर मोहम्मद थे वो स्वयं भगवान शिव के उपासक थे। आज ऐसे ही मैं इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक वीडियो मिला, सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं और दिखाते हैं यह वीडियो आपको। ये वीडियो राष्ट्रनीति यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। इसका टाइटल है शिव भक्त शुक्राचार्य कैसे बने पश्चिम के पैगंबरों के खुदा, और आप इनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जाकर के दोस्तों। इसी तरीके के इस पर तमाम ऐसे वीडियोस उपलब्ध हैं, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिर इसमें कौन सी ऐसी वह जानकारी है जो इंटरनेट पर ज्यादा लोगों को नहीं पता है। वीडियो अंत तक देखिएगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं इस वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको भी ज्यादा टाइम न लगे और वीडियो भी थोड़ा लंबा ना हो। जो व्यक्ति मरता है ये उसकी और इनमें विश्वास रखता है ये उसकी आत्मा की हार्वेस्टिंग कर लेती है, और जैसे ही उसे पजेस किया वैसे ही वो जागृत हो गया, वो पैगंबर बन गया। वो खुद ही घोषणा करता था मैं पैगंबर हूँ, मुझे खुदा ने भेजा। तो जो सृष्टि के इस क्रम में जब ये पश्चिम पहुँचते हैं तो पैगंबरों की परंपरा हमें पश्चिम से ही मिली। शुक्राचार्य जी के दूत, यही अनुवाद है पैगंबर। अगर आप कहें डिक्शनरी खोलें तो लोग कहते हैं साहब पैगंबर माने अवतार, या कहीं लिखा हुआ अवतार माने पैगंबर, ये गलत है। पैगंबर इस शुक्र दूत, क्योंकि पैगंबर का खुदा असुर गुरु शुक्राचार्य हैं। असुर ये समझ लेते हैं, तीसरी बार भी उसको मार देते हैं, और मार के अब की उसको जला देते हैं, और जला के उसकी राख को शराब में मिला देते हैं, और शराब में मिला करके शुक्राचार्य जी को ही पिला देते हैं। ये शिव से कहते हैं कि तुमने पूरी सृष्टि में परमात्मा तुम ही हो, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। तो कहते हैं शिव ने इन्हें अपने उदर में लील लिया। जब ये पेट में चले गए तो ये 5000 वर्ष भगवान शिव के पेट में उदर में रहे, और ये भगवान शिव के वीर या शुक्र के रूप में ये बाहर आए, तब से इनका नाम शुक्राचार्य। बायोलॉजिकली मेरे शरीर में डीएनए है रावण का, जो खुद भरद्वाज गोत्र था। असुरों में कोई सीमा नहीं है, वहां बहनी ब्याह लो। कुछ मजहब ऐसे हैं जो इस परंपरा को मानते हैं। जो देवता मरते थे उनको उत्थान करने का कोई तरीका नहीं था कि इनको फिर से उठा दिया जाए, लेकिन शुक्राचार्य जी को भगवान शिव के उदर में रहते हुए ये शक्ति प्राप्त हो गई थी, ये मंत्र या ये विद्या प्राप्त हो गई थी, जिसे मृत संजीवनी कहने लगी कि पिताजी देखिए क्या बात है, कच्छ नहीं आया। तब तक देवयानी को प्रेम हो गया था कच्छ से। तो शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया, बोले अरे वो तो मरा पड़ा है, भाई बहन हो गए हम, तुम भाई बहन हो, अब तो ये विवाह नहीं हो सकता, लेकिन मेरे शरीर में बायोलॉजिकली नहीं है, बायोलॉजिकली मेरे शरीर में डीएनए है रावण का, जो खुद भरद्वाज गोत्र था, या द्रोणाचार्य का जो भारद्वाज गोत्र थे, अश्वस्थामा ये भारद्वाज विभीषण का, हाँ विभीषण का, ये मेरे पूर्वज हैं। तो हमारे यहाँ पूर्वजों में 7 पीढ़ी में अवॉइड किया जाता है कि विवाह ना हो, और समगोत्र में नहीं होता, समगोत्री नहीं होता, और माता के पक्ष में भी गोत्र है तो नहीं होगा, नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। कि अगर हमारी माँ भारद्वाज है, वीडियो का रेफरेंस देते हुए थोड़ा सा बता दूं, ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो पैगंबर मोहम्मद थे वो हिंदू धर्म के उपासक वो भी थे, बस वो असुर थे। और तो इस वीडियो के अंत तक आप ये भी समझ जाएंगे कि किस तरीके से जिस अल्लाह का जिक्र इस्लाम धर्म में किया जाता है वो अल्लाह स्वयं शुक्राचार्य जी थे। चलिए आगे देखते हैं। कात्यायन थी और मैं भारद्वाज हूँ, और मैं अपने बेटे का विवाह कर रहा हूँ, तो मैं कात्यायन में नहीं कर सकता क्योंकि मात्र कुल है। तो हमारे यहाँ इतना वर्जित है, इतनी हमारे यहाँ सीमाएं हैं। असुरों में कोई सीमा नहीं है, वहां बहनी ब्याह लो, ये परंपरा पुराणों में उल्लिखित है। तो कुछ मजहब ऐसे हैं जो इस परंपरा को मानते हैं। अब आइए, शुक्राचार्य जी के लिए कहा जाता है कि महाभारत में एक यज्ञ का उल्लेख है, इसमें त्रय वेद, वेद त्रयी का पाठ हो रहा था, ऋग यजुर और साम। इस वेद त्रयी के पाठ में शुक्राचार्य जी भी बैठे थे। हमारे यहाँ अथर्व वेद की मान्यता नहीं है, यद्यपि वेदव्यास ने चारों वेदों का संपादन किया है, लेकिन वेदव्यास इनके रचयिता नहीं है, वेदव्यास ने इसे संपादित किया है। वो जो ज्ञान इस भारत खंड भारत भूमि में था
उस ज्ञान का संपादन चार वेदों में हुआ, इसीलिए 400 ऋचाएं ऋग्वेद की सामवेद में है, यजुर्वेद की सामवेद में है, सामवेद की ऋचाएं यजुर्वेद में है, लेकिन ऋग यजुर और साम की कोई भी ऋचा अथर्व में नहीं है। अथर्व अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अलग है। इससे असुर गुरु शुक्राचार्य का वेद भी माना जाता है, और बहुत लोग मानते हैं कि जो अब्राहमिक फेथ्स हैं इनकी जेनेसिस, इनका मूल अथर्व वेद में है, क्योंकि इसमें टोना, टटका, चमत्कार, जादू, इन सब का उल्लेख है, और किन शक्तियों से ये संपादित किए जाते हैं, किस प्रकार इनका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, ये सब चीजें उनमें बताई गई। तो कहते हैं कि जब महाभारत के समय वो यज्ञ चल रहा था, इस यज्ञ का उल्लेख है वन पर्व में, जो अब्राहमिक धर्म है इसमें अगर हिंदू धर्म को छोड़ दे, ज्यादातर जितने भी हैं सब अब्राहमिक धर्म से ही निकले हुए हैं, फिर चाहे आप ज्यूस को ले लीजिए, ईसाइयों को ले लीजिए, इस्लाम को ले लीजिए, और भी जो तमाम धर्म हैं जो जिनका उदय विदेशों की धरती पे हुआ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर अब्राहमिक धर्म ही है ये आसपास, इनको जो मान्यताएं हैं वो लगभग सेम ही हैं, बस थोड़ा सा अलग है इसके, जो जैसे कि आप मूसा को ले लीजिए, प्रॉफिट मूसा, ये ईसाइयों में भी माने जाते हैं, इस्लाम में भी माने जाते हैं, और यहूदियों में भी माने जाते हैं। इसी तरीके से कई और अन्य देवता भी हैं, जो देवता नहीं कहूँगा, जो उसमें पात्र करेक्टर्स, वो तीनों चारों धर्मों में हैं, इसीलिए इनको अब्राहमिक धर्म कहा जाता है। ये एक ही पंथ से निकली हुई अलग अलग विचारधारा है। सारे ऋषि बैठे थे और आहुतियाँ डाली जा रही थी, उसी समय शुक्राचार्य जी भी वहीं बैठे हुए थे। तो हमारे यहाँ पे है कि आप उच्चारण करके तब आहुति डालेंगे, क्योंकि श्रवण परंपरा है, सब सुने, ये बड़बड़ा करके आहुति डाल रहे थे। तो लोगों ने इन्हें पकड़ा कि ये हो क्या रहा, तो मालूम पड़ा ये अथर्व वेद के मंत्र पढ़ के आहुति डाल रहे थे। तो इनको तुरंत ब्लैकलिस्ट किया गया, और उस यज्ञ से ही नहीं निकाला गया, बल्कि कहते हैं इन्हें भारत भूमि से ही निकाल दिया गया। अब ये पश्चिम चले गए। वही शुक्राचार्य हैं जिनका जिक्र राजा बलि के समय आता है, जब भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके गए थे इनसे दान मांगने, तब कहा जाता है कि ये भावरा बनकर उस जो जल का पात्र था जिससे प्रतिज्ञा ले जाती है, ऐसे करके उसमें जिससे पानी निकलने वाली नली होती उसमें जाकर के बैठ गए थे, ताकि जो राजा बलि हैं वो दान ना कर पाए। और राजा बलि असुर तो थे ही, और माना जाता है कि राजा बलि का जो साम्राज्य था वो अरब तक फैला हुआ था। ये पॉइंट्स हैं कुछ जो आगे जुड़ेंगे जाकर के, चले देखते हैं। पश्चिम स्वाभाविक है कि भारत में अगर आप बैठे हैं तो पश्चिम ईरान, इराक, सऊदी अरब और आगे यूरोप, यही सब है जी। तो कहते हैं जब ये पश्चिम गए तो वहाँ इनको बड़ी डिसोलेट वीरान सी ज़मीन दिखी, कुछ लोकल देवी देवता थे जिनकी पूजा होती थी। ये लोकल मतलब स्थानीय, आज भी स्थानीय देवताओं की प्रथा है जी। आप चाहें जितने पंच देवों की, रूस वगैरह में तो कई देवियां पूजी जाती थी, और देवियों की पूजा अरब में भी होती थी। अभी हाल ही में दो देवियों की मूर्ति जो कि अरब के संग्रहालय में रखी हुई है, सऊदी प्रिंस ने कहा है कि उनका फिर से रिस्टोरेशन किया जाए, फिर से उस स्थान पर लगाई जाए। तो इस तरीके से तमाम ऐसे स्थानीय स्तर पर देवी देवता थे जिनकी पूजा की जाती थी, जिनका उल्लेख भी मिलता है, चाहे इराक हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो। आप बात करें अगर आप हिंदुस्तान में भी जगहों जगहों पे जाएं तो लोकल देवता जमे हुए हैं, ग्राम देवता हैं, स्थान देवता हैं, हाँ स्थान देवता हैं, वो सब बने हुए हैं, है नहीं। अब जब ये पश्चिम गए तो इन्होंने देखा कि देवी देवता तो बहुत हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से उतने बलि नहीं जो ये हैं, इनके आगे बहुत कमजोर। तो शुक्राचार्य जी को पश्चिम में खुदा बनने में या परमात्मा बनने में देरी नहीं लगी। इनकी एक विशेषता है कि ये आगे बढ़ते हैं अपने, जैसे आपने रामदूत शब्द सुना है हनुमान जी के लिए कहते हैं, या शिवदूत शब्द सुना है, विष्णुदूत शब्द सुने हैं, लेकिन आपने शुक्रदूत शब्द अभी तक नहीं सुना होगा। ये शुक्राचार्य जी के दूत, यही अनुवाद है पैगंबर का। अगर आप कहें डिक्शनरी खोलें तो लोग कहते हैं साहब पैगंबर माने अवतार, या कहीं लिखा हुआ अवतार माने पैगंबर, ये गलत है। पैगंबर इस शुक्रदूत, क्योंकि पैगंबर का खुदा असुर गुरु शुक्राचार्य हैं। यहाँ पर जो पैगंबर मोहम्मद का ये अनुवाद बता रहे हैं कि पैगंबर जो शब्द है उसका अर्थ ही है शुक्रदूत, अर्थात जो शुक्राचार्य जी थे उनके दूत। चलिए आगे देखते हैं। और वो पैगंबर उनका भेजा हुआ दूत,
अवतार पंचदेवों में ही होता है। श्री राम श्री हरि के अवतार हैं, महाविष्णु भी उन्हें कहते हैं, मार्तंड भगवान शिव के अवतार, सीता जी परम शक्ति का अवतार है, महालक्ष्मी का। ये ध्यान देने वाली बात है जी। हमारे यहाँ अवतार है तो पीछे एक एग्जिस्टिंग पंचदेवों में एक देवता है, उन्हीं से है, उसी की री कास्टिंग है, वो पुनः उत्पन्न हो रहा है एक नए शरीर में, एक नए उसमें वही अवतार है। तो शुक्राचार्य जी अवतार तो ले नहीं सकते थे, परिणाम ये हुआ कि शुक्राचार्य जी किसी एक के ऊपर छा जाते थे, सवारी जिसे आप कहते हैं, पजेस कर लेना, और जैसे ही उसे पजेस किया वैसे ही वो जागृत हो गया, वो पैगंबर बन गया। वो खुद ही घोषणा करता था मैं पैगंबर हूं, मुझे खुदा ने भेजा। तो जो सृष्टि के इस क्रम में जब ये पश्चिम पहुंचते हैं तो पैगंबरों की परंपरा हमें पश्चिम से ही मिलती है। अगर हम देखें तो शायद 2000 ईसा पूर्व में पहली बार हमें हजरत अब्राहम की परंपरा मिलती है कि हजरत अब्राहम पैगंबर हैं। उसके बाद उन्हीं से ये शुरू हुआ, उन्हीं के भाई, उनसे जो परंपराएं हैं उनमें 48 पैगंबरों के नाम हैं, हजरत मोहम्मद तक आते आते। 48 के बाद क्योंकि उन्हें आखिरी माना गया इसलिए नहीं है कोई और। लेकिन एक ख़ास चीज़ और भी है इन 48 में, जिसमें इजहाक हैं, इस्माइल हैं, ये सब हैं, इसमें ख़ासियत ये है कि 12 तो पैगंबर हैं 48 में और 36 नबी हैं, मतलब दे आर स्पिरिचुअली हाईली क्वालिफाइड, लेकिन उनको पैगंबर का दर्जा नहीं मिला है। तो इससे जो हिंदू मान्यताएं हैं जिनसे हम लोग समझते हैं कि धर्म की विवेचना करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये दो धाराएं हैं, असुर धारा भारत छोड़ के चली गई पश्चिम जी, और पश्चिम से पुनः प्रविष्ट हुई ताकतवर रूप में। हाँ। जैसा हमें अच्छा, असुर आप ये मत समझिएगा कि नकारात्मक ऊर्जा ही है, निगेटिव ऊर्जा है, ऐसा नहीं है। असुर परंपरा में पॉजिटिव ऊर्जा भी बहुत है। कारण यह है कि एक तो शुक्राचार्य खुद ही आध्यात्मिक रूप से हाईली क्वालिफाइड है, श्री कृष्ण की सिद्धियों निधियों का तो कोई मुकाबला नहीं है, वो तो बहुत हैं, और आप जानते ही नहीं 18 डिफाइन की गई हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में उनकी सिद्धियाँ। लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मेरी सिद्धियों का कोई भी विवेचना नहीं कर सकता, इसलिए हम इस बात को मान के चलते हैं कि सिद्धियाँ श्री कृष्ण की बहुत हैं क्योंकि वो परमात्मा है। लेकिन शुक्राचार्य जी भी हल्के नहीं हैं, इनके पास भी 6 सिद्धियां हैं और 4 निधियां हैं। ये दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, लेकिन शुक्राचार्य जी की एक विशेषता है, क्योंकि ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं और ये संसार के ऊपर पूरी सृष्टि के ऊपर काबिज होना चाहते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास न करने का कारण क्या ये भी है कि चूंकि वो पुनर्जन्म की अवस्था में जाने ही नहीं देते, पहले जीवित कर लेते हैं। हाँ, वही मैं कहने जा रहा था कि पुनर्जन्म तो तब होगा जब कोई मृत होगा, उसके बाद उसकी आत्मा का जन्म होगा। जब इनके पास पहले ही वो विद्या है तो वो पुनर्जन्म तो रिजरक्शन नहीं कर रहे। तो ऐसी स्टेज में असुर गुरु शुक्राचार्य की विशेषता ये है कि ये जो व्यक्ति मरता है ये उसकी और इनमें विश्वास रखता है। ये मेरा ऐसे ही पॉइंट आया कि इसीलिए शायद जो इस्लाम धर्म है इसमें लोगों को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है। हिंदू धर्म में जलाया जाता है, इसलिए जाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि उसकी आत्मा मुक्त हो गई, अब किसी अन्य शरीर में आएगी और पुनर्जन्म होगा। लेकिन इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति जीवित उठेगा क्योंकि शंकराचार्य जी के पास संजीवनी की विद्या थी, इसीलिए शायद जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो जलाते नहीं हैं, सबको दफनाते हैं। ये ऐसा ही पॉइंट आया, सोचा पता आगे देखते हैं। ये उसकी आत्मा की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग शब्द ठीक वही होता है जैसे फसल उगाई जाती है, सींची जाती है, जब वो बड़ी हो जाती है, पक जाती है, तो उसको आप काट लेते हैं और काट के अपने घर में रख लेते हैं। वो किसान की होती है, क्यों उसकी होती है? क्योंकि वही उसका भोजन है, वही उसका जीवन है, उसने फसल उगाई है। शुक्राचार्य जी का भोजन तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि भोजन तो खा के उद्रस्त किया जाता है, लेकिन शुक्राचार्य जी जिन आत्माओं की हार्वेस्टिंग करते हैं उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी वो हार्वेस्ट कर लेते हैं। जब आध्यात्मिक ऊर्जा हार्वेस्ट हो जाती है तो उससे विकास किसका होता है? शुक्राचार्य जी का स्वयं। तो इससे सर ये भी तो होता है कि जैसे जो देव हैं या देवगुरु हैं तो जो वो एनर्जी ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं हवन से एक तरीके से, तो क्या ये उनका भी एक अलग प्रकार का हवन ही है जिससे वो अपने अलग प्रकार का हवन नहीं है भैया, यहाँ पे थोड़ा फर्क है। हमारे यहाँ भगवान शिव समाधि अवस्था में ज्यादा रहते हैं, जागृत कम होते हैं।
रामचरितमानस में भी उल्लेख है, लाग समाधि अखंड पारा। अखंड पारा का मतलब खुलेगी ही नहीं। हाँ, तब खुलेगी तो कब खुलेगी पता ही नहीं, वो उनकी तपस्या है। या ये भी कहा गया है कि तप बल शंभु करहिं संगारा और तप बल विष्णु पालनहारा। ये तपस्या इनकी अपनी है जिससे ये सारी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। लेकिन शुक्राचार्य जी अपनी कोई तपस्या नहीं करते, जो करनी थी वो कर ली। शुक्राचार्य जी को जो करना था कर चुके। अब उनका विकास, उनकी ग्रोथ इस पे आधारित है कि कितने बिलीवर उनके पास आते जाएं, कितनों की वो आत्मा प्राप्त करते जाएं और अपना विकास करते रहें उनकी ऊर्जा से। ये शुक्राचार्य जी की मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आत्माएं इनके पास होल्ड हो जाती हैं जी, उन आत्माओं को न मोक्ष मिलता है, न स्वर्ग मिलता है, न नरक मिलता है, कुछ भी नहीं मिला। मान लीजिए कि जुम्मन मियाँ नहीं रहे या फ्रांसिस साहब नहीं रहे, उनका लास्ट राइट हो गया, बरियल हो गया, सब हो गया, प्रेयर हो गई। अब प्रश्न ये है, उनकी आत्मा निकल गई, आत्मा उनके ईश्वर के पास पहुंच गई, लेकिन अभी जुम्मन मियाँ सिर्फ मरे हैं। अभी जुम्मन मियाँ को न स्वर्ग मिला, न नरक मिला, न मोक्ष मिला। आप पूछेंगे क्यों ऐसा है, जब एक ही जन्म है तो निर्णय तो हो जाना चाहिए जी। तुरंत कयामत, जजमेंट डे, अब कयामत का दिन आएगा, उस दिन तय होगा। तो कयामत का दिन तो कब आएगा पता नहीं। प्रलय सृष्टि का, जो लोग इस प्रलय या इस कयामत में विश्वास रखते हैं, अगर मैं मुसलमान हूँ तो 1450 साल, 1450 साल से ही मेरा धर्म है, और मैं ये मानूंगा कि सबसे पुरानी जो आत्मा है हमारे यहाँ तो 1400 साल पुरानी होगी जी, जब शुरू में लोगों ने कबूला होगा, इस्लाम माना होगा। अगर मैं ईसाई हूँ तो मैं ये मान सकता हूँ कि सबसे पुरानी जो आत्मा होगी, जो हज़रत ईसा मसीह में विश्वास करती होगी, वो 2100 साल पुरानी होगी, जितना हज़रत को हुए टाइम हुआ। अगर मैं ज्यू हूँ यहूदी, तो मैं ये विश्वास करूँगा कि हज़रत मोसेस 1200 ईसा पूर्व में हुए थे, 3000 साल पुरानी आत्मा होगी। अगर मैं हज़रत अब्राहम को भी मैं पैगंबर मानता हूँ और अपने को अब्राहमिक कहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा 4000 साल पुरानी आत्मा होगी। लेकिन इस 4000 साल में ना उसे मोक्ष मिला, ना उसे स्वर्ग, ना नरक, क्योंकि अभी तो 4000 साल पुरानी है, हो सकता है 40000 साल पुरानी हो जाए, हो सकता है ये 4 लाख साल पुरानी हो जाए, प्रलय आए ही ना, कोई ज़रूरी है प्रलय आए। फिर सनातन धर्म में पूर्ण प्रलय का विधान ही नहीं है, हमारे यहाँ पूर्ण प्रलय आती नहीं है, इनके यहाँ पूर्ण प्रलय जरूरी है, तभी तो निर्णय होगा जी। हमारे यहाँ युग बदलते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें आंशिक प्रलय होती रहती है, सृष्टि का एक हिस्सा सर्वाइव करता है। इसीलिए जब द्वापर जा रहा है और कलयुग आ रहा है जी, तो कलयुग स्वयं कहता है श्री कृष्ण, जब ब्रह्मा कहते हैं तुम गए क्यों नहीं, तुम्हारा समय आरंभ हो चुका, तो बोले मैं जा नहीं सकता क्योंकि नारायण पृथ्वी पर अभी भी विद्यमान। तो बोले तुम्हें देर हो रही है, बोले देर हो रही, जब नारायण पृथ्वी छोड़ेंगे तब जाऊंगा, वरना हम जाते ही हमारा संहार हो जाएगा। नहीं, मैं अपने गुण धर्म फलीभूति नहीं कर पाऊंगा अगर नारायण के समय पहुंच गया, तो मेरे गुण धर्म तब फलीभूत होंगे जब नारायण इस सृष्टि में शरीर अपना त्याग देंगे। ठीक वही समय है जब श्री कृष्ण के पैर में तीर लगता है, बहेलिया मारता है जी, और वो बहेलिए से कहते हैं कि ठीक है मैं आखिरी उसमें आ चुका हूँ, मैं शरीर त्यागने जा रहा था, तुम निमित्त बन गए, लेकिन अब भाग के जाओ और यादवों से कहो कि वो द्वारिका खाली कर दें, क्योंकि मैंने समुद्र से उधार मांगी है, जैसे ही मैं शरीर त्यागूंगा समुद्र बढ़ेगा, द्वारिका को लील लेगा, द्वारिका समाप्त हो जाएगी। तो बहेलिया भागता है द्वारिका को बताने के लिए यादवों को, वहां उनमें भी लड़ाई शुरू हो चुकी है, ग्रह कला, ग्रह युद्ध आरंभ हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहां जब युग बदलता है तो आंशिक प्रलय आती, पूर्ण प्रलय नहीं होती। तो ये इतना वीडियो था, इसके अलावा इसके कई और पार्ट्स हैं। वीडियो पसंद आएगा तो कोशिश करूंगा कि एक ही पार्ट्स में सारे जो है वीडियो उनको ले सकूं। तो इसको अगर हम अंत में समराइज करें तो ये बात है कि किस तरीके से जो शुक्राचार्य थे उनको देवों और ऋषियों द्वारा निकाल दिया जाता है, उनको पूरी तरीके से भारत भूमि से निकाल दिया जाता है। इसके बाद वो क्या करते हैं, पश्चिम जाते हैं, और जो ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई आराध्य देव नहीं थे या फिर जो थे वो उनके पास कोई शक्तियाँ नहीं थी, धीरे धीरे शुक्राचार्य उनके देवों के रूप में आते हैं और
फिर क्या करते हैं कि जो ताकतवर लोग थे, जिनका इन्फ्लुएंस लोगों पे ज़्यादा था, उनके अंदर प्रवेश करते हैं, उनको अपने में क्या बोलते हैं, वो वर्ड नहीं आ रहा मुझे याद, एक तरह से उन पर कंट्रोल स्थापित करते हैं। और यही चीज़ें हमने देखी हुई हैं कि चाहे आप पैगंबर मोहम्मद साहब को ही क्यों ले लीजिए, इनका जिक्र तो इस्लामी किताबों में भी है, कुरान में भी है शायद, कि जो 360 मूर्तियाँ थी, 360 मूर्तियाँ वहाँ पर तोड़ी गई, जिसमें से सभी देवों की मूर्तियाँ थी। और इसी से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनकी देवों के प्रति नफरत थी और उसी की वजह से उनको तोड़ा। और रही बात भगवान शिव के शिवलिंग को बचाए रखने की, तो कारण यह था कि जो भगवान शिव हैं वो आराध्य देव माने जाते हैं असुरों के, और यही कारण है कि उन्होंने शिवलिंग को छोड़ दिया, बाकी सब तोड़ दिया। जो जिसको मुसलमानों में अल्लाह या खुदा कहा जाता है वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं शुक्राचार्य। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।